नमस्कार दोस्तों, आज मैं वीडियो चेक कर रहा था तो मुझे उसमें बहुत सारे दिखाई पड़ेंगे, आपके बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं, तो मुझे लगा कि आज सारे कमेंट के बारे में चर्चा होना जरूरी है। तो आज मैं सबसे पहले चेक किया तो मुझे नवीन चौरसिया जी का मैसेज दिखा। नवीन चौरसिया जी ने लिखा था कि सर SPD-30 के लिए वीडियो बनाइए। चौरसिया जी, मैं बहुत सारा SPD-30 के लिए वीडियो बना चुका हूँ, आपने सिर्फ SPD-20X का वीडियो चेक किया, प्लीज एक बार आप SPD-30 का वीडियो चेक कीजिए। और यहाँ पे अभी दूसरा कमेंट रागनी राजपूत जी का आया है। रागनी जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि आपके पास जो पुराना SPD-30 है, जैसा कि आपका SPD-30-50 किट का है, ओल्ड वर्जन, आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए आपको रोलैंड के वेबसाइट पे जाना है, www.roland.co.in। इस वेबसाइट पे जाकर के आप SPD-30 के पेज पे जाइए। वहां जाने के बाद SPD-30 के डाउनलोड्स में आपको बहुत सारे अपडेट मिल जाएंगे। पैच भी अपडेट कर सकते हैं, वर्जन अपडेट कर सकते हैं, उसमें सारे फीचर दिए हुए हैं। सारे फीचर के अलावा उसमें एक रेडमी फाइल है, उसमें इंस्ट्रक्शन पेज दिया हुआ है कि आपको कैसे करना है। बारीकी से वो पेज को पढ़िए, आप आराम से कर पाएंगे। और मेरे पास तीसरा कमेंट है देवाशीष जी का। इन्होंने लिखा है कि मेरा पैड का पैच आगे पीछे होता है, तो आपने तो क्लियर किया नहीं कि आप कौन सा पैड है, कौन सा पैड आप यूज कर रहे हैं जिसमें आगे पीछे हो रहा है। और दूसरी बात बताऊं कि अगर आपका कोई भी पैड में हार्डवेयर से प्रॉब्लम है तो इसके लिए बेहतर रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, आप सर्विस सेंटर को कॉन्टेक्ट करें। और जैसा कि मेरे पास तीसरा कमेंट आया है राजीव दुबे जी का, इन्होंने लिखा है कि डिले या कोई भी FX यूज करने पर वॉल्यूम डाउन हो जाता है, फुल वॉल्यूम कैसे आएगा। तो राजीव दुबे जी, मुझे लग रहा है कि आप इफेक्ट के बदले इक्वलाइजर या कंप्रेसर यूज कर रहे हैं। तो यदि इफेक्ट में आप कंप्रेसर या इक्वलाइजर यूज करने के बाद इक्वलाइजर को हटा करके आप रिवर्ब यूज करेंगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम तो कम होगा ही, वो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपके SPD-SX में इक्वलाइजर सेपरेट दिया हुआ है, एम्बियंस में जाके आप अपने ऑक्टोपैड को इक्वलाइज कर सकते हैं। और मेरे पास चौथा कमेंट आया है कि SPD-30 में पेन ड्राइव कैसे यूज करते हैं। मैं आपको बताऊं कि SPD-30 में पेन ड्राइव यूज करने के लिए सबसे पहले आपको पेन ड्राइव कनेक्ट करना है। जब पेन ड्राइव कनेक्ट करेंगे तो मेन्यू बटन दबाना है, मेन्यू बटन दबा करके आपको USB में आना है। USB में जब आप आएंगे उसके अंदर सारे प्रोसीजर लिखे हुए हैं, फॉर्मेट, लोड, सेव, व्यू, सब कुछ है। तो आप नया पेन ड्राइव अगर यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने का तो आप लोड और सेव दोनों कर सकते हैं। और मेरे पास चौथी इंक्वायरी, चौथा कमेंट आया है कि SPD-SX का टोन का बैकअप दें। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, टोन का बैकअप आपको मांगने की जरूरत नहीं है। आपके लिए रोलैंड कंपनी ने पहले से ही वेबसाइट पे टोन अपलोड करके रखा है, आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको वेबसाइट का एड्रेस फिर से बता रहा हूँ, www.roland.co.in। यहां जाकर के आप इंडियन बैकअप डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे पास एक कमेंट आया बिहार आशियाना म्यूजिकल ग्रुप, इन्होंने पूछा सर मैं SPD-SX में लूप बजाकर रिकॉर्ड कैसे करूं, सर मैं SX में इंस्ट्रूमेंट बजाकर कैसे रिकॉर्ड करूं। सर मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं कि आपके SPD-SX में तीन तरह से रिकॉर्ड की जा सकती है। आप पेन ड्राइव के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं, लाइन इन के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं, परफॉर्म एंड रिकॉर्ड कर सकते हैं, USB MIDI के थ्रू आप कनेक्ट करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। यदि आप USB से रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ USB होस्ट केबल लगाना है, आप आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। और मेरे पास छठा कमेंट है दीपक जी का, दीपक कुमार, इन्होंने पूछा है SPD-SX का प्राइस कितना है सर जी। दीपक जी मैं आपको स्पष्ट बताऊं कि प्राइस के बारे में मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं होता है कि किस एरिया का प्राइस क्या है, कुछ 1,500 रुपए का डिफरेंस होता है। तो बेहतर रहेगा कि आप अपने जो नियरेस्ट डीलर हैं, जो आपके सबसे नजदीकी डीलर हैं, आप एक बार प्लीज उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए। और मेरे पास टोनी जी का कॉमेंट आया है SPD-30 में लूप बनाना सिखाइए सर। टोनी जी ये मैं बहुत जल्द वीडियो बनाकर अपलोड करने वाला हूँ, उम्मीदतः नेक्स्ट वीक में ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। और मेरे पास अगला कमेंट आया है शुभम सालोके जी का, SPD-SX में रिकॉर्डिंग होता है क्या। शुभम जी आपके SPD-SX में रियल टाइम रिकॉर्डिंग होती है, मोबाइल पे कनेक्ट करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। SPD-SX, SPD-30, SPD-20, SPD-11 आप कुछ भी सिग्नल के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं। और मेरे पास नेक्स्ट कमेंट आया शालिनी जी का, इन्होंने कहा कि आप जो भी डेमो दे रहे उसका डिस्प्ले क्लियर नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा कि सब कुछ मैं क्लोज करके बिल्कुल क्लियर दिखाऊं। और सागर जी का कमेंट है, उन्होंने लिखा है कि SPD-SX में मेमोरी कितना है। सागर जी आपके SPD-SX में 10,000 वेव रखने की क्षमता है। मेरे पास अगला कमेंट है अनिल जी का, इन्होंने पूछा है रोलैंड SPD-SX का लूप TM2 में सपोर्ट करेगा। अनिल जी बिल्कुल सपोर्ट करेगा, क्योंकि TM2 और SPD-SX का दोनों का फॉर्मेट सेम ही है, दोनों 16 बिट का है।
16 bit 44.1 kHz तो आराम से सपोर्ट करेगा, आप यूज कर सकते हैं। TM2 का साउंड SPDSX में, SPDSX का साउंड TM2 में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे जवाब से संतुष्ट हुए होंगे, और बहुत सारे टॉपिक हैं जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद लाइक करें, लाइक करने के बाद अपने दोस्तों को शेयर करें, शेयर करने के बाद सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। दोस्तों बेल आइकॉन यदि आप दबाएंगे तो हमारा वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंचेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, प्लीज सब्सक्राइब स्वरित स्टूडियो।